Everyone, this is Ankit Gupta, and today we are going to discuss new topic, water conservation and rainwater harvesting. In previous lecture, we have discussed about the different methods of irrigation, modern methods of irrigation, and today we will discuss about the water conservation. Firstly, I want to tell you that if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and press the bell icon by which you can get new updates of my videos. So let's start. First topic, what do you mean by water conservation? So water conservation means it is a strategy or it is an activity to manage fresh water and less wastage of water. ठीक है, वाटर कंजर्वेशन का मतलब ये एक एक्टिविटी है, ये एक मैनेजमेंट है जिसके थ्रू हम वाटर को सेव कर सकते हैं, वाटर का वेस्टेज कम करते हैं. ओके, किस लिए? जिससे हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें. वी कैन कंजर्व द वाटर फॉर आवर फ्यूचर पर्पस. व्हाई वी शुड कंजर्व द वाटर, हमें पानी को क्यों कंजर्व करना चाहिए? पहला, फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर, ये लिमिटेड रिसोर्स है. हमारी पूरे वर्ल्ड में जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में मौजूद है. दैट्स व्हाई वी शुड कंजर्व द वाटर. सेकंड पॉइंट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर रिड्यूसेस ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर. इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ गया है क्योंकि बिकॉज प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वाटर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम होता जा रहा है. तो वी विल हैव टू कंजर्व द वाटर. सेकेंड, फॉर इंडस्ट्रीज, अगर वाटर को कंजर्व नहीं करेंगे तो फ्यूचर में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी क्योंकि इंडस्ट्रीज हैव टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल विच इज वाटर. वाटर के बिना कई इंडस्ट्रीज बिल्कुल बंद हो सकती हैं. एंड लास्ट, इरीगेशन यूटिलाइज अप्रॉक्स 70% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर. जितना भी हम फ्रेश वाटर टोटल यूज करते हैं ना, उसका 70% इरीगेशन के लिए, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के लिए हम यूज करते हैं. दैट्स व्हाई वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना फॉर आवर लाइफ. तो अब डिस्कस करते हैं कि मेथड्स टू कंजर्व वाटर, यानी हम वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. तो पहला है टू रिड्यूस वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन को कम करके. टर्न ऑफ द टैप्स व्हेन इट इज नॉट यूजिंग बाय एनीवन, अगर हम नल को यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें टैप को ऑफ कर दीजिए, उसको टर्न ऑफ कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग टैप को खुला छोड़ देते हैं, नल को खुला छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वाटर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है. नेक्स्ट, यूज ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, हमें नई टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए जिससे हम वाटर का ऑप्टिमम यूज कर सकें, लेस वेस्टेज और मैक्सिमम यूज ऑफ वाटर. एंड लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट मैथड है, इट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में. तो चलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? इट इज अ टेक्निक ऑफ इंक्रीजिंग द रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर बाय कैप्चरिंग और स्टोरिंग रेन वाटर. यानी रेन वाटर को स्टोर करना, कैप्चर करना, जिससे अंडरग्राउंड वाटर को बढ़ाया जा सके, रेन वाटर को कलेक्ट किया जा सके, बाय विच कैन यूज इन द फ्यूचर रेन वाटर. दिस इज नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. अगर इन शॉर्ट हम अगर कहें रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज दैट प्रोसेस इन विच वी कैन कंजर्व, वी कैन रिजर्व द रेन वाटर फॉर फ्यूचर पर्पजेस. इट इज द बेस्ट मैथड ऑफ वाटर मैनेजमेंट. सबसे बेटर मैथड माना जाता है वाटर को कंजर्व करने का या वाटर को मैनेज करने का. नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्या जरूरत है रेन वाटर हार्वेस्टिंग को करने के लिए? पहला, टू मीट इंक्रीज डिमांड फॉर वाटर. प्रेजेंट टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है. तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा, डिमांड को हम पूरा कर सकेंगे वाटर की. अदरवाइज वाटर स्कैर्सिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो रही है. नेक्स्ट, टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वी हैव टू यूज अ लॉट ऑफ वाटर. Then we will have to conserve the rainwater. We will have to save the rainwater. Okay. Next, to reduce soil erosion. If we do rainwater harvesting, we can reduce soil erosion because the water will not go in the ground, so soil will not erode. So soil बहुत कम erode होगी. अगर erode भी होगी तो बहुत कम quantity में. Next, to raise groundwater level. अंडरग्राउंड वाटर लेवल काफी डिप्लीट हो रहा है, तो अगर हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है. एंड लास्ट, टू रिड्यूस ग्राउंड वाटर पोल्यूशन. जब रेनफॉल पानी बहुत मैदान में ग्राउंड पे जाता है तो बारिश का पानी काफी ज्यादा पोल्यूशन से मिलके सॉयल को पोल्यूट कर देता है, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर देता है, जिसकी वजह से पोल्यूशन प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. ओके,
So these are the major objectives we will have to do rainwater harvesting. Next, advantages of rainwater harvesting. Rainwater harvesting के क्या फायदे हैं, क्या advantages हैं? तो पहला है, provide self-sufficiency to water supply. हमें सेल्फ सफिशिएंसी प्रोवाइड करता है कि हमें वाटर की स्कैसिटी नहीं होगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं रेन वाटर का, वो क्योंकि वाटर की सप्लाई हमें प्रॉपरली मिल रही है. नेक्स्ट, रिड्यूस सॉयल इरोजन. रेन वाटर हार्वेस्टिंग से सॉयल इरोजन कम से कम हो जाता है और स्पेशली अर्बन एरियाज में तो बिल्कुल कम हो जाता है. नेक्स्ट, टू रिड्यूस लॉस ऑफ फ्रेश वाटर बाई सर्फेस रन ऑफ. सर्फेस रन ऑफ के थ्रू जो फ्रेश वाटर लॉस हो जाता है उसको कम करता है. एंड लास्ट, वेरी यूजफुल फॉर इरीगेशन पर्पज. सिंचाई के लिए, इरीगेशन पर्पज के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैथड माना जाता है आपका, ठीक है. तो दीज आर द मेजर एडवांटेजेस ऑफ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नेक्स्ट, मैथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ मैथड्स में सबसे पहला मैथड आता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ओके. और सेकेंड आता है सर्फेस रन ऑफ हार्वेस्टिंग. तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे वर्क करता है. तो यू कैन सी द वीडियो. आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे वर्क करता है. एंड लास्ट टॉपिक इज मेजर स्टेट्स इन इंडिया वेयर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज प्रैक्टिस मोस्टली. तो सबसे ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ होता है? तो फर्स्ट है तमिलनाडु. यहाँ पर तो गवर्नमेंट का लॉ है, कंपलसरी है हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना. कर्नाटका में काफी ज्यादा होता है. राजस्थान जो कि एक बहुत ड्राई स्टेट है वहां पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है. और मेघालय. These are the major reasons where the rainwater harvesting is practiced. So thank you so much. और थम लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर पसंद आया हो. Thank you so much.